नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल परदेसी फ्लाइट पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल के ऐलान के बाद कि 20 देशों के नागरिकों के ऊपर सऊदी अरब पाबंदी लगा रहा है, उनके आने पर पाबंदी लगा रहा है, यानी वो अब सऊदी अरब नहीं इंट्री कर सकते हैं, उस ऐलान के बाद, उस न्यूज़ के बाद बहुत भारी दिक्कतें हुई हैं, काफ़ी परेशानियाँ हुई हैं, काफ़ी लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। हर कोई एक दूसरे से यही सवाल कर रहा है कि ये पाबंदी आखिर कब तक चलेगी, ख़ासतौर पर वो लोग जो दुबई क्वारंटीन पहुंच चुके हैं या दुबई क्वारंटीन होकर सऊदी अरब जाने वाले हैं। तो उन लोगों के सवाल बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों कि ये पाबंदी आखिर कब तक चलेगी और ये पाबंदी कब ख़त्म होगी जिससे वो जा सकें, क्योंकि इससे पहले सऊदी अरब ने जो दिसंबर लास्ट में यानी दिसंबर के आखिरी महीने में प्रतिबंध लगाया था वो एक हफ्ते का लगाया था, फिर उसको बढ़ाकर एक हफ्ते और कर दिया था, यानी दो हफ्ते के लिए पाबंदी लगाई थी इससे पहले सऊदी अरब ने। अब दोस्तों सऊदी अरब ने ये पाबंदी फिर लगाई है 20 देशों के नागरिकों के ऊपर, और यानी 20 देशों के नागरिक सऊदी अरब में अब एंट्री नहीं कर सकते, प्रवेश नहीं कर सकते, और इसकी समय सीमा नहीं बताई है सऊदी अरब ने। ये नहीं बताया है कि हम एक हफ्ते के लिए ये प्रतिबंध लगा रहे हैं या दो हफ्ते के लिए लगा रहे हैं या एक महीने के लिए लगा रहे हैं। तो इस ऐलान के बाद दोस्तों परेशानी बढ़ी हुई है, क्योंकि सऊदी अरब ने इस बार समय नहीं बताई है। लेकिन दोस्तों अगर हम सऊदी हुकूमत के ऐलान को पढ़ें तो उन्होंने इसमें साफ लिखा है कि टेम्परेरली सस्पेंडिंग अलाउिंग एंट्री टू किंगडम फॉर नॉन सिटीजन डिप्लोमेट हेल्थ प्रैक्टिशनर एंड दियर फैमिलीज फॉर दोज कमिंग फ्रॉम 20 कंट्रीज स्टार्टिंग एट 9 PM ऑन वेडनेसडे। तो दोस्तों इस आदेश में उन्होंने टेम्परेरली शब्द का इस्तेमाल किया, यानी टेम्परेरली का मतलब दोस्तों आप सब जानते हैं कि टेम्परेरली का मतलब होता है कुछ समय के लिए या थोड़े समय के लिए। तो दोस्तों ये कुछ समय अगर हम मान के चले तो एक हफ्ते हो सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा दो हफ्ते हो सकता है। तो उन्होंने टेम्परेरली शब्द का यूज़ किया है, टेम्परेरली शब्द का इस्तेमाल किया है, तो इसलिए हम ये उम्मीद कर सकते हैं, ये थोड़ी राहत वाली बात हो सकती है कि एक हफ्ते या दो हफ्ते, इससे ऊपर दोस्तों ये पाबंदी नहीं जानी चाहिए जहाँ तक मेरा आकलन है। अब दोस्तों सऊदी अरब टेम्परेरली शब्द को किस तरह से लेता है, वो एक हफ्ते ही लेता है या दो हफ्ते लेता है या फिर एक महीने लेता है, क्योंकि हुकूमत के फैसले बहुत हैरत भरे होते हैं। आप हमारी समझ से हम लोग कुछ और समझते हैं, कुछ और सोचते हैं, हुकूमत उसको दूसरी तरीके सोचती है, पता नहीं वो एक हफ्ते ही माने, दो हफ्ते उस पाबंदी को माने या फिर एक महीने के लिए बढ़ाए, कुछ भी कहना मुश्किल है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से सऊदी हुकूमत फैसले ले रही है और भी दुनिया के सारे देश कोरोना वायरस के चलते जो फैसले ले रहे हैं वो भी जनता की समझ से बाहर होते हैं कि ये फैसले किस तरह से लिए जा रहे हैं, कैसे लिए जा रहे हैं, क्यों लिए जा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल उनके समझ से बाहर होते हैं ये ऐसे फैसले। तो पता नहीं कब कौन सा फैसला लिया जाए दोस्तों, ये भी कहना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है कि कब कौन सा फैसला ले लिया जाए। कोरोना वायरस में बहुत ही अजीबोगरीब फैसले हुए हैं जो जनता की समझ से बाहर रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो लोग दुबई क्वारंटीन पर पहुंच चुके हैं या दुबई क्वारंटीन पर रह रहे हैं इस समय और जिनका दुबई क्वारंटीन पीरियड पूरा हो चुका है। उनके लिए दोस्तों स्थिति यही है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो अब दोस्तों क्या कहा जाए ये बैन लगने के बाद, अब क्योंकि वो लोग जिस भी पैकेज पे गए हुए हैं, चाहे होटल पैकेज पर गए हुए हैं या फिर रूम पैकेज पर गए हुए हैं, और जिनका 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड पूरा हो चुका है, तो अब दोस्तों जो वो एक्स्ट्रा दिन रहेंगे यानी जो अतिरिक्त दिन रहेंगे 14 दिन से जो ज़्यादा रहेंगे, तो अब दोस्तों जो भी रूम का या होटल का खाने का जो भी खर्चा आएगा, जो अतिरिक्त खर्चा आएगा वो अब उनको देना पड़ेगा। ये एक बात है। दूसरी बात ये है दोस्तों, अगर आप दुबई में हैं और 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड पूरा हो चुका है, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई रिश्तेदार है, आपके गांव वाला है, कोई जानने वाला है जिससे आप रابطہ कर सकते हैं, तो अगर आप चाहें तो 14 दिन के अतिरिक्त आप जो रहना चाहते हैं तो आप अपने दोस्त के यहाँ भी रह सकते हैं, अपने गाँव, अपने रिश्तेदार या फिर आपका और कोई जानने वाला है उनसे रابطہ करके आप उनके यहाँ रह सकते हैं, जिससे आपका जो अतिरिक्त खर्चा हो, जो एक्स्ट्रा खर्चा हो वो बच जाए। और दूसरी बात दोस्तों एक ये है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराने से कोई काम नहीं होगा, आप सब्र से काम लें, धैर्य से काम लें, क्योंकि मुसीबतें आती रहती हैं और मुसीबतें आकर चली भी जाती हैं। कुछ दिनों के लिए चीज़ें हैं, ये चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी, तो आप धैर्य से सब्र से काम लें। आप एक महीने के वीज़े पर गए हुए हैं, आपके वीज़े में अभी समय है, आप विजिट वीज़े पर जो गए हुए हैं वो एक महीने का है, ये मत सोचें कि आपका 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड पूरा हो चुका है तो आपके लिए दिक्कत हो गई है, आप वापस आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका एक महीने का वीज़ा है, आराम से अभी आप रुक सकते हो, बस हाँ रहने खाने का अगर आप अपने स्तर पर अपने तरह से आप उसकी
व्यवस्था कर लेते हैं तो आपका जो अतिरिक्त खर्चा होगा उससे आप दोस्तों बच जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जिनकी फ़्लाइट अभी इंडिया से दुबई के लिए नहीं हुई है, यानी अभी संयुक्त अरब अमीरात में वो लोग नहीं गए हैं, जबकि उनका टिकट आज में है, कल में है, परसों में है, इसी हफ्ते में है। वो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि वो इस समय दुबई जाएँ या ना जाएँ। तो दोस्तों आप सबको पता है कि दुबई जाने में तो कोई पाबंदी है नहीं, आप 14 दिन क्वारंटीन पैकेज है आपका, टिकट है आपका, वीज़ा है 1 महीने का। दोस्तों इंडिया से दुबई जाने में कोई पाबंदी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दोस्तों ये रिस्क है, काफ़ी जोखिम है इसमें, क्योंकि सऊदी अरब ने इसकी डेट नहीं बताई है कि कब तक उनके यहाँ पाबंदी रहेगी। अगर 1 हफ्ते की रहेगी चलो ठीक है, अच्छी बात है, आप 14 दिन गए हुए हैं, 14 दिन पूरा होगा तभी आप दुबई से सऊदी जाओगे। अगर 2 हफ्ते की पाबंदी रहेगी तब भी अच्छी बात है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपके जाने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये पाबंदी 2 हफ्ते से आगे बढ़ती है और आप दुबई पहुँच जाते हो तो फिर बहुत भारी दिक्कत होगी दोस्तों, फिर दिक्कतें बढ़ेंगी। तो इसलिए मेरी गुजारिश है अगर आप इंडिया में अभी हो तो इंडिया में ही रहो, वो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे कोई अपडेट होगा तो आपको ज़रूर बताई जाएगी।